बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत गोगवाड़ा में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, निर्माण कार्यों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्टर को जनसुनवाई में भी कई बार दिया आवेदन, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बड़वानी जिले के पानसेमल जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गोंदवाड़ा में ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जनसुनवाई में दिया आवेदन में बताया कि भंडारी फलिया में सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य नहीं है। रूप सिंह धर्म फलिया सीसी रोड एवं नाली निर्माण का कार्य अधूरा है। खजान गंसिया के मकान से प्राथमिक विद्यालय पटेल फलिया स्कूल सीसी रोड निर्माण कार्य में अनियमितता सहित वृक्षारोपण कार्य भी अधूरे हैं। अगर सही से निर्माण कार्य जांच की जाए तो कई अनियमितता मिलेगी। शिकायत के बाद उपयंत्री राजेश मंडलोई ने उन स्थानों पर निरीक्षण भी किया है। ग्राम के गोविंद भंडारी, सचिन पटेल, योगेश पटेल, नरेंद्र सोलंकी और प्रवीण पटेल ने अनियमितता की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। जनपद पंचायत सीईओ महेश पाटीदार ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ग्राम गोंदवाड़ा के ग्रामीणों ने शिकायत की है, जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक पूर्ण जांच कर क्या कार्रवाई होती। गोविंद भंडारी जैसा अध्यक्ष गोंदवाड़ा, जो हमारे गांव गांव में 2017 से जो सीसी रोड अधूरी थी, उसके लिए हमने अब कलेक्टर ऑफिस जाके आवेदन दिया और वहां से फिर उधर से फोन आया था इनके पास, तो जनपद से अभी जो हमारे इंजीनियर साहब आए थे, अभी उन्होंने आके सीसी रोड का निराकरण किया है। और अभी हम इंजीनियर साहब से यही निवेदन करते हैं, जल्दी से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करें। अन्य और काम कौन कौन से अधूरे हैं अभी जो यहां अधूरा है? जैसे अभी समचान घाट के वहां जो शौचालय बना है वो भी आधा अधूरा है, और जैसे यहां जो आंगनवाड़ी बनी है वो भी उसकी जो डाल है वो भी अभी दबी हुई है, तो अभी हमने इंजीनियर साहब को बताया है। राशि आरित करने के बाद में भी कार्य नहीं हुए ऐसे ग्रामीणों ने आरोप लगाए, सर इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? अभी ग्राम पंचायत गोंगवाड़ा के कुछ नागरिक आए हैं जिन्होंने चार पांच गोंगवाड़ा पंचायत के जो 2017-18 के बता रहे हैं, पांच छह कामों की सूची दी है कि इन पे कार्य अभी अधूरे पड़े हैं और राशि का आहरण हुआ जैसा ये बता रहे हैं, तो इसकी हम उपयंत्री से अभी जांच के लिए मैं दे रहा हूँ। जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, प्रतिवेदन आएगा, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कोई ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जिससे कि राशि आहरण नहीं हो और कार्य समय पर हो जाए? वो शासन स्तर के इस संबंध में समय समय पर निर्देश आते रहते हैं, उसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। Subscribe now to most exciting channel ever.